कि तुमको पहले ये पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए, बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए, जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खूब पढ़ने लगेगा। तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। इसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो, जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। जो धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं तो किस बहाने से पढ़ाई जाती हैं, कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे बच्चों में ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों में बहुत होता है पढ़ने का इंटरेस्ट, लेकिन जब वो देखते हैं कि सब कुछ रटना है, बच्चे रटने का बड़ा विरोध करते हैं। तो मां बाप बचपन से अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को बचपन से एक सपना दिखाते रहते हैं कि 10th में 95% ले आओ, स्प्लेंडर दिला देंगे। 12th में अगर 98% आ गया तो स्विफ्ट। क्योंकि मां बाप भी जानते हैं कि सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। और पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि ये पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जैसे मॉडर्न इंडिया, पता ही नहीं, इस क्लास में किसी को पता ही नहीं कि मॉडर्न का मतलब क्या है, तो तुम मॉडर्न इंडिया में ढूंढोगे क्या, जब तुमको पता ही नहीं। जब तुमको आधुनिक का मतलब ही नहीं पता तो तुम मॉडर्न की जब किताब खोलोगे तो उसमें क्या चीजें ढूंढोगे, तुम तो ढूंढ पाओगे? एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, चार बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, फिर ग्यारहवें बार तुम्हारा मन करेगा सो जावे, काहे परेशान कर रहे हो, क्यों है कि नहीं। जब हमें पता हो, जब हम खेत काटने जा रहे हैं तो हमें पता है गेहूं काटना है, गेहूं लगा हुआ है खेत में। अगर एक साथ 10-12 फसलें हो जाए घास, इसीलिए जब फसलें छोटी छोटी होती हैं तो उसमें प्रोसेस होती है वीडिंग की। वीडिंग का मतलब क्या, खरपतवार को निकालना। आज तक तुमने जितनी बार भी आधुनिक भारत पढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, इसलिए तुम आज तक पढ़ ही नहीं पाए।